दोस्तों स्वागत है आप सभी का तहे दिल से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान पर। दोस्तों राजस्थान में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले उन लाखों बेरोजगार भाइयों के लिए कुछ खबरी जो काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे राजस्थान में नई शिक्षक भर्ती का। दोस्तों इस शिक्षक भर्ती को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी गई है, आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पद आपके इसमें 30,000 प्लस पदों पर बड़ी भर्ती है, आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। साथ में इस बार मुख्यमंत्री ने वेटेज खत्म करने को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। आवेदन और सिलेबस इस बार क्या रहेगा संपूर्ण अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा ताकि आपको संपूर्ण कंप्लीट जानकारी मिल सके और आप कोई भी अपडेट है वो मिस नहीं कर पाए। दोस्तों ये फ्रेश नोट है जो आज राजस्थान सरकार के द्वारा जनसंपर्क प्रकोष्ठ में जारी किया गया है। शिक्षकों की भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री के अहम फैसले, जयपुर से बड़ी खबर। 24 दिसंबर के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को समय से सरकारी शिक्षक भर्ती का लाभ देने के साथ ही उन्हें विभिन्न नई भर्तियों के माध्यम से उचित अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय में मंगलवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में श्री गहलोत ने कहा कि सरकार की मंशा है शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। सितंबर माह में नई व्याख्याता भर्ती परीक्षा बैठक में तय किया गया कि 2 वर्षों से अध्ययन लाखों अभ्यर्थियों के लिए हितों के मद्देनजर तथा जुलाई 2020 से प्रारंभ होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में रिक्त पदों पर व्याख्याता उपलब्ध हो सके, इसके लिए वर्तमान में चल रही 5,000 पदों की जो भर्ती है 2018 का आयोजन नियत तिथि पर ही किया जाए। इसके साथ ही अपनी खबर है वो देख लेते हैं, अगस्त में होगी 31,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए डीड शिक्षक भर्ती। ये भी तय किया गया है कि तृतीय शिक्षक श्रेणी अध्यापकों के 31,000 पदों को भरने के लिए 2 अगस्त 2020 को आगामी डीड परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे बेरोजगार आशिक्षकों को रोजगार पर्याप्त अवसर मिलेंगे। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में टीएसपी के अभ्यर्थियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए इनमें से 6,080 पद टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित दिए। और यहाँ पे देख लीजिए लेवल 2 की भर्ती के लिए राजस्थान की जानकारी हो। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि पहली बार तृतीय श्रेणी लेवल 2 की भर्ती विषय विशेषज्ञों के चयन के लिए विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए। चूंकि तृतीय श्रेणी अध्यापक को प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में अध्यापन करना होता है, अंत उन्हें राजस्थान के बारे में स्वाभाविक रूप से जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए प्रश्न पत्र की विषय वस्तु इस प्रकार तैयार की जाएगी, जो अभ्यर्थी है उनको राजस्थान के बारे में जानकारी हो। तो दोस्तों आप सबके लिए एक गुड न्यूज ये है कि जो आपकी भर्ती है काफी लंबे वक्त से आप इंतजार कर रहे थे वो आज इंतजार खत्म हुआ और आज नई शिक्षक भर्ती की यहाँ पे प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देख लीजिए दोस्तों प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, 31,000 पदों पर भर्ती होगी। आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने सोचा होगा कि 15,000 पदों पर होगी, लेकिन आपकी 31,000 पदों पर बड़ी भर्ती होने वाली है। आज की तैयारी में जुट जाइए और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।